नमस्कार, मैं हूं पलक यादव और स्वागत है आपका जी न्यूज डिजिटल पर। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचे नोएडा के अवैध सुपर टेक ट्विन टावर्स 28 अगस्त को ध्वस्त की जाने वाली भारत की सबसे ऊंची इमारतें बन जाएंगी। इस प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने बताया है कि 100 मीटर से थोड़ी ज्यादा ऊंची इमारतें 15 सेकंड से भी कम वक्त में ताश के पत्तों से बने घर की तरह ढह जाएंगी। डेमोलिशन की इस प्रक्रिया को साइंटिफिक तरीके से अंजाम देंगे और उसके लिए 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बिल्डिंग ध्वस्त करने के बाद आखिर उस मलबे का क्या होगा। इसके डेमोलिशन के बाद सबसे बड़ा सवाल 55,000 टन के मलबे को हटाने को लेकर पैदा होता है। मुंबई स्थित कंपनी एडिफाइस इंजीनियरिंग दक्षिण अफ्रीका की अपनी साझेदारी कंपनी जेट डेमोलिशंस के साथ मिलकर दरअसल ध्वस्तीकरण का जिम्मा संभाल रही है, जो उसके लिए दुनिया में सिविल इंजीनियरिंग के सबसे बड़े कारनामों में से एक है। एडिफाइस इंजीनियरिंग के अधिकारी उत्कर्ष मेहता ने यह भी कहा है कि सभी विस्फोटकों में धमाका होने में 9 से 10 सेकेंड का वक्त लगेगा और धमाके की आवाज जोरदार होगी। धमाकों के बाद इमारतें एक बार में नहीं गिरेंगी और उन्हें पूरी तरह मलबे का ढेर बनने में 4 से 5 सेकंड का वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि धूल का गुबार छंटने में लगभग 10 मिनट का वक्त लगेगा। पहले भी हो चुके हैं ऐसे ध्वस्तीकरण। एडिफाइस इंजीनियरिंग पहले केरल के मराड़ो में अवैध रिहायशी इमारतें, तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट और केंद्रीय कारागार तथा गुजरात में पुराना मोटेरा स्टेडियम ध्वस्त करने का जिम्मा उठा चुकी है। प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने यह भी बताया है कि डेमोलिशन में इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटकों में डेटोनेटर्स, रासायनिक मिश्रण और शॉक ट्यूब भी शामिल हैं, जिनमें जेल या पाउडर रूप में विस्फोटक सामग्री शामिल होती है। इस अधिकारी ने यह भी बताया कि ये विस्फोटक बहुत प्रभावशाली नहीं होते हैं, लेकिन जब इन्हें बड़ी तादाद में इस्तेमाल किया जाता है तो ये कंक्रीट को तक तोड़ सकते हैं। कोर्ट ने बताया अवैध निर्माण। ध्यान दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपर टेक के इन ट्विन टावर्स को ध्वस्त किया जा रहा है। न्यायालय के इन इमारतों को अवैध करार दिया तथा कहा कि नियमों का उल्लंघन करके इनका निर्माण किया गया है। परियोजना के अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए आंकलन के अनुसार एपिक्स जो 32 मंजिला है और सियान जो 29 मंजिला है, इन इमारतों को ध्वस्त होने में तकरीबन 35,000 घन मीटर मलबा और धूल का मुबार पैदा होगा। 1300 चक्कर में हटेगा मलबा। नोएडा अथॉरिटी के जनरल मैनेजर प्लानिंग इश्तियाक अहमद ने ये कहा है कि 21,000 घन मीटर मलबे को वहां से हटाया जाएगा और 5 से 6 हेक्टर्स के एक खाली जमीन पर उसे फेंक दिया जाएगा तथा बाकी मलबा ट्विन टावर्स के सरफेस एरिया में भरा जाएगा, जहां पर एक गड्ढा बनाया गया है। मेहता ने यह भी बताया कि ट्रक मलबे को लेकर करीब 1200 से 1300 फेरे लगाएंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि देरी होने से एक अच्छी बात ये हुई है कि जेट डेमोलिशंस का दल पिछले एक हफ्ते से हवा के प्रवाह पर नजर रख रहा है और उन्होंने हवा का प्रवाह पश्चिम की ओर पाया है। अगर ऐसी ही प्रवृत्ति बनी रहती है तो ज्यादातर धूल ट्विन टावर्स के आगे के हिस्से की ओर चलेगी, जो कि सामने की सड़क का एक हिस्सा है और खुला हुआ है। हालांकि पूरा मलबा बेकार नहीं जाएगा, इसमें से तकरीबन 4,000 टन लोहा और स्टील निकलेगा, जिसका इस्तेमाल एडिफाइस डेमोलिशंस की कॉस्ट वसूलने में यूज किया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, और ऐसी जरूरी जानकारी के लिए देखते रहिए जी न्यूज डिजिटल।